चाय की चुस्की और उन चाय के दीवानों की मस्ती, आहा क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे चाय के बारे में, चाय के दीवानों के बारे में जो चाय के दिन में कई चुस्कियां लेते हैं और मस्तियां भी लेते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि लोग दूध से ज़्यादा चाय के दीवाने होते। एक रैप में बताया गया है, जो इश्क को जान लेता है ये साला उसी की जान लेता है। चाय भी बिल्कुल इसी तरीके की है, जो चाय से इश्क करता है तो चाय उसे किसी से इश्क नहीं करने देता। बेशक चाय के दीवाने दूध से ज़्यादा हैं, पर आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि जब आप चाय के दीवाने हो जाते हैं तो चाय आपको आपके ज़िंदगी का दीवाना नहीं होने देता। यदि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो आपको हमारी ये वीडियो देखनी चाहिए और आपको समझना चाहिए कि चाय कितना ख़तरनाक है और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने में आपकी मदद करता है। एक शराबी जानता है कि शराब पीने से उसे नुकसान होगा, वह फिर भी शराब पीता है। तो यदि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो यदि आप चाय के बारे में, उसकी खराबियों के बारे में जानेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप चाय को छोड़ देंगे और अपनी ज़िंदगी से प्यार करने लगेंगे। आज का समय ऐसा है कि चाय हमारे जीवन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया है। चाहे घर आए मेहमानों को स्वागत हो या दोस्तों के साथ गपशप, टाइम पास करना हो या कहीं पे बाहर जाना हो, हमें चाय चाहिए ही चाहिए। पर जिस प्रकार चाय को हम इतना प्रेम करते हैं, उसी तरह वैज्ञानिकों ने एक शोध किया जिसमें पता चला कि चाय स्फूर्तिदायक या लाभदायक न होकर हमारे शरीर में विष के समान है। इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं जो कि बहुत ही विषकारी हैं। पहला है थिन, दूसरा है टेनिन, तीसरा है कैफिन। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानें ताकि हमें मदद हो सके। इन विषैले पदार्थों के शरीर में होने वाले प्रभाव के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला है थिन। चाय पीने से जो हल्का सा आनंद आता है वह थिन नामक विष से होता है, परंतु इसका प्रभाव हमारी बुद्धि व स्मरण शक्ति पर पड़ता है, जो कि बुरा प्रभाव देता है। अब दूसरा है टेनिन। इसका प्रभाव हमारे पाचन पर पड़ता है, हमें कब्ज की परेशानी बढ़ जाती है, नींद की कमी होने लगती है। इस विष का प्रभाव शराब से मिलता जुलता होता है। इसके कारण चाय पीने के बाद शुरू में तो ताजगी का अनुभव होता है, पर थोड़ी ही देर बाद नशा उतर जाने पर थकान जैसा महसूस होने लगता है, जिससे अधिक चाय पीने की इच्छा होने लगती है। तीसरा है कैफीन, जो कि सबसे भयंकर विष है। इसका प्रभाव शराब और तंबाकू में पाए जाने वाले निकोटीन की तरह होता है। इस विष के कारण हर व्यक्ति चाय का आदि हो जाता है, वह चाह कर भी चाय नहीं छोड़ पाता। अब जैसे जैसे कोई इंसान अधिक और अधिक चाय पीते जाता है, वैसे वैसे उसमें कई बीमारियां उसमें घर करने लगती हैं। तभी चाय कहता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। और लोग कहते हैं, तुम चाय हो, तुम मेरी पसंद हो। पर लोगों को ये नहीं पता उन्हीं की पसंद उन्हीं के लिए नुकसानदायक होती है। कैफीन नामक विष के कारण पेशाब में लगभग 3 गुना वृद्धि हो जाती है, पर शरीर का दूषित पदार्थ जो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है वह नहीं निकल पाता, अंदर ही जमा होने लगता है, जिसके कारण गठिया का दर्द, किडनी और हार्ट संबंधी तमाम रोग उत्पन्न होने लगते हैं। सुप्रसिद्ध डॉक्टर जॉन हार्वेन ने कहा है, अधिक मात्रा में चाय के सेवन से पेट में टेनिन नामक एसिड उत्पन्न हो जाता है, जिससे पेट दर्द, पेट फूलना, कब्ज, एसिडिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, नींद कम आना जैसी तमाम बीमारियां शुरू हो जाती हैं। साथ ही चाय पीने से दांत और आंख संबंधी रोग भी होने लगते हैं, चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार करना है और चाय को गुड बाय बोलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। अंत में दोस्तों, मेरी पर्सनल राय है कि आप सभी
चाय को छोड़ दें और अपनी जिंदगी आराम से बिताएं। तो दोस्तों, उम्मीद आप ऐसा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।